नहीं, मैं तो जमीनी करता हूँ, हवाई जहाज है नहीं। और मैं जब भी इस चुनाव के बाद में सहूलियत होगी तो मैं करता ही हूँ, मेरी आदत में भी है और मेरा काम भी है, तो वो मैं करूँगा ही। कि पूनिया जी ने अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ एक तंज कसा है जो कतई शोभनीय नहीं है, बल्कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई दौरे पर वसुंधरा जी पर जो टिप्पणी की, वो बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी है, ओछी मानसिकता की वो टिप्पणी है कि उन्होंने वो हवाई दौरे करते हैं, मैं पैदल करता हूँ। क्या पूनिया जी को प्रशासनिक अनुभव नहीं है? पूनिया जी को ये पता होना चाहिए कि जब तक जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो तत्कालिक मदद के लिए जो सर्वे होता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री लोग और बड़े नेता हवाई सर्वेक्षण से ही उसका आकलन होता है, और आप पैदल चलने की बात कर रहे हैं। पूनिया जी, ये कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े पानी के बहाव में, नदियों में आप पैदल चल के दौरा करोगे? कितने वर्ष में ये दौरा आपका पूरा होगा? आपको प्रशासनिक अनुभव नहीं है और आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, लोगों की मजाक मत बनाइए। आपको कहना तो ये चाहिए था कि ये तत्काल दौरा माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। आप माननीय मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की बजाय आपने वसुंधरा जी पर टिप्पणी करी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। क्यों ने आपके खिलाफ हम माननीय नड्डा जी से प्रार्थना करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़े आहत पहुंची है, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? और ये पहली बार नहीं, अनुशासनहीनता के ये आदि रह चुके हैं। खुद हवाई जहाज से लंदन जाते हैं, क्यों नहीं पैदल गए लंदन? और जब जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे की बात आती है तो आप पैदल चलने की बात करते हैं, तो इनका छोटा सोच है और इनको सपने में भी वसुंधरा जी से डर लगता है। तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके कोई निडर और नॉलेजेबल, ज्ञान वाला प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का अच्छा भविष्य बन सके।